नमस्कार दोस्तों, अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड की समस्या के बारे में कि यूरिक एसिड क्यों हमें होती है और कैसे इसको आसानी से ठीक किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्वास्थ्य से संबंधित या दवाइयों से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक आम समस्या हो गई है जिसे हर किसी के पैरों में अकड़न जकड़न की समस्या रहती है। और यूरिक एसिड गलत खान पान, ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ों से होती है। इसलिए यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और व्यायाम नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इससे बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार है जिसे अपना सकते हैं, जैसे अजवाइन है, इसे यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। सेब का सिरका ले सकते हैं और नियमित रूप से व्यायाम किया जा सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की भी समस्या बहुत आम हो चुकी है। यूरिक एसिड बढ़ने से चलने फिरने में समस्या होती है, पैरों में जकड़न अकड़न की समस्या होती है। इसके बढ़ने से पैरों में सूजन और यह ज्वाइंट को जाम कर देता है। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होती है और व्यायाम नियमित रूप से हमें करना चाहिए। इसे बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार भी है जिसे अपना सकते हैं, जैसे कि अजवाइन का पानी। यूरिक एसिड कंट्रोल करने में अजवाइन का पानी बहुत असरदार होता है। इसके सेवन से पैरों की सूजन और दर्द से राहत मिलती है। इसे खाने से पेट की समस्या से भी राहत मिलती है। इसके अलावा पानी ज्यादा पिए, यूरिक एसिड बढ़ने से पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि इससे यूरिक एसिड पतला होता है और किडनी शरीर से विषैले पदार्थ को आसानी से फिल्टर कर पाता है। वैसे भी पानी पूरे दिन में 10 से 12 गिलास जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा जैतून के तेल, यह तेल भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। जैतून के तेल नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा नींद करे पूरी, इस बीमारी के बढ़ने का कारण लाइफस्टाइल का खराब होना भी होता है। अगर आप सही समय पर खाते पीते नहीं हैं और 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए 24 घंटे में 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके साथ साथ अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में तेल मसाले नहीं यूज करना चाहिए, खट्टे चीज नहीं खाने चाहिए। यूरिक एसिड ब्लड में पाए जाने वाला एक रसायन है जो हर किसी के बॉडी में बनता है और किडनी उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। जो बॉडी में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है और किडनी उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल पाती तो ये एसिड जोड़ों में जमा होने लगता है। और जब बॉडी में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है और किडनी उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती तो ये एसिड जोड़ों में जमा होने लगता है और ये यूरिक एसिड जैसी समस्या हमें देखने को मिलने लगती है और हमें परेशानी होने लगती है। यूरिक एसिड पैरों में, जोड़ों में जकड़न होने लगती है और उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाती है, इसीलिए दर्द और सूजन, अकड़न जकड़न जैसी समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।